Physics is the natural science that involves the study of matter and its motion and behavior through space and time, along with the related concepts such as. मेरी यहाँ पे साली लगी पड़ी है और तू गाने सुन रहा है. Despacito. अबे ओए तोतले. Did you just call me totla? I may be totla, but I get girls. यहाँ पप्पी. वो girls नहीं होती, उनको आंटियाँ कहते हैं. अबे ओ. अच्छा ठीक है साले, थोड़ी देर में एग्जाम है हमारा, पास नहीं हो रहा तूने. भाई तो टॉप करेगा. कहाँ? नीचे से. ब्रो पास होना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है. इसको इंग्लिश में बोल के दिखा. ब्रो पास हैपनिंग इज माय लेफ्ट हैंड प्ले. साला शेक्सपियर की औलाद. ओ एक्सक्यूज मी, माय फादर्स नेम इज शेख चौकत, नॉट शेख पियर. जी सर, आप पास कैसे होंगे? पर्चियां. बच्चियां? पर्चियां कहाँ छुपाएगा? देख, चैप्टर 1-2, चैप्टर 3-4, चैप्टर 5, चैप्टर 6 और 7-8 क्या? चैप्टर 7, चैप्टर 8. सारे सवाल चैप्टर 7-8 से आ गए ना, तो तू अंडरवेयर में हाथ डाल के बैठे रहना. अभी तो सेमेस्टर शुरू हुआ है यार, मिड टर्म एग्जाम. एग्जाम एंथम रोमियो. हम होंगे सब पास. एक दिन ओ लिखते हैं बकवास, आता नहीं कुछ खास. हम होंगे सब पास एक दिन. TikTok, mind block, pen stop, eyes up, time shock, jaw drop, no luck, time's up, exam sucks. Still, good luck. Alisha का message. अबे ये exams pass आते ही लड़कियाँ कितनी friendly हो जाती हैं. नहीं साला पूरा semester मुझे झूठे मुँह hello तक नहीं बोला इसने, अब मुझे बोलती है Romeo please मेरे आगे आके बैठ जाना यार, I may need your help. अबे मैं तेरे बाप को नौकर लगाऊँ? साली कमीनी. एग्जाम डिगर. ओ ऐसी की तैसी यार, तू टेंशन ना ले, तू दिल की भड़ास निकाल बस. दिल की भड़ास? Yes. मेरा ना आगे भी बोल. दिल करता कि मैं अपने स्कूल को आग लगा दूं. Yes. फिर पूरे मोहल्ले के स्कूलों को आग लगा दूं. ऐसी की तैसी. फिर जो टीचर सारा सेमेस्टर एग्जाम में कुछ सिखाते और किसी और ही चीज का एग्जाम लेते, उनको डब्बे में बंद करके क्या डब्बे? हम तुम एक डब्बे में बंद हो, ढिंचक 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 और चाबी खो जाए. बिल्कुल फनी नहीं है. बच्चों वक्त बदल गया है, तुम लोग अपना नया सेमेस्टर शुरू करने वाले हो. आराम से दिन में उठोगे, गाड़ी में बैठोगे, ब्रर करके स्कूल पहुंच जाओगे. हमारे ज़माने में तो ना गाड़ी थी ना टैक्सी थी. तेरा बाप रोज़ 100 किलोमीटर दूर तक स्कूल वॉक करके जाता था. अंकल वैसे ना आपस की बात है, आप बहुत बोंगियाँ मारते हैं. इसके कहने का मतलब है कि 100 किलोमीटर पापा, 100 किलोमीटर तो एक अनरियलिस्टिक सी बात है. अच्छा 3 किलोमीटर दूर था मेरा स्कूल, लेकिन लगता यूं ही था कि 100 किलोमीटर की वॉक हो रही है. तुम लोगों ने जिंदगी में कभी 3 किलोमीटर वॉक की भी है? लग पता जाए अगर करो तो. बेटा तुम लोग तो आजकल स्कूल जाने से पहले उठते हो, अपने अपने अटैच बाथरूमों में घुस जाते हो. बेटा हमारे जमाने में अगर इतनी सी भी पॉटी आ जाए ना, तो सुबह सुबह उठ के खेतों में जाना पड़ता था, और अगर सांप आ जाए तो ऊपर से और मुसीबत. वैसे अंकल आपकी दर्द भरी आवाज सुन के मुझे कुछ यूं लग रहा है जैसे सांप ने आपके साथ खेतों में कोई हैंकी पैंकी कर दी है. बेटा सांप ने, खैर छोड़ो. वैसे आप किस पोजीशन में बैठे हुए थे जब सांप ने? अंकल देखे ना, आप इस तरह बैठ के कर रहे थे जब सांप ने आपको काटा. फिर तो डेफिनेटली पीछे काटा होगा ना. और चेंज द टॉपिक यार. अच्छा चल चिंटू आजा, हम स्कूल के लिए लेट हो रहे हैं ना, चल स्कूल चलते हैं. नहीं वैसे जिस पोजीशन में आप बैठे हुए थे सांप आपको आगे भी काट सकता है टेक्निकली. अच्छा सॉरी आ आ आ, मैं बस क्यूरियस हो गया था थोड़ा सा. वैसे इनका सांप को बदबू नहीं आई?
may need your help. अरे किस कदर selfish? डायलॉग भूल जाता हूँ यार मैं, इतने लंबे लंबे डायलॉग लिखता क्यों हूँ मैं, मुझे समझ नहीं आती।